मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अभी तक ये क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जरा एक बार देखते हैं, इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, पहले आपके सामने दो समीकरण लिखे हुए हैं, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, ध्यान रखिएगा इतनी बात आप लोग। अब देखो, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पहला समीकरण, इसको थोड़ा सा सेटअप कर लें, लिख लें 5, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं एक बार फिर से। देखो समीकरण लिखा हुआ है 5 x - 1 + 1 / y - 2 = लिखा हुआ है आपका 2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 1 / x - 1 + 1 × 1 / y - 2 = 2। इसको समीकरण 1 लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा बटे x माइनस 1 रहेगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 × 1 / y - 2 रहेगा, क्लियर। अब देखेंगे इसको, लिख सकते, देखो लिखा हुआ है 6 × x - 1 - 3 / y - 2 = 1 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हो जाएगा 6 × x - 1 - 3 × 1 / y - 2 = 1, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। बात हुई क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो आप लोग देखेंगे, आप लोग के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 / x - 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 / x - 1 लिखा हुआ है। हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना 1 / x - 1 = हमने मान लिया a, तथा 1 / अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 / y - 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तो इसके अलावा भी कुछ मान लेते हैं, 1 / y - 2 = b मान लिया हमने, और क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 में रखने पर इतना काम हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा आगे समझो, हमने इतना मान लिया, अब देखो ये समीकरण जो लिखा हुआ आगे लिखेंगे इसको हम, 5 जैसे लिखा हुआ था समीकरण, तो 5, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 / x - 1 लिखा हुआ है ना समीकरण, हमने ये इस मान रखा है a के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे a और प्लस 1 और इसका मान है b = 2, तो हो जाएगा आपका 5a + 1b, चाहे आप एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, = 2, तो ये आपका समीकरण पड़ जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। थोड़ा ब्रेक करते हैं, अगला देखते हैं, लिखा हुआ है 6 इसकी जगह पर a, तो 6a - 3b = 1, अगला हो जाएगा आपका 6a - 3b = 1, ये समीकरण नंबर आपका 2, सॉरी समीकरण नंबर आपका 4, 3 के बाद में 4 आएगा ना, तो समीकरण हो जाएगा आपका ये 4 नंबर का, क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं, यही समीकरण है हमारे, 5a + b = 2, ठीक है, और 6a - 3b = 1, बिल्कुल क्लियर है, यही आपके 2 समीकरण बन गए। अब इन 2 समीकरणों को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 3 में 3 से अगर गुणा कर दें तो सॉल्व हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, 3 में गुणा करो 3 से, पहले 3 × 5 हो जाएगा आपका 15a, 3 × 1 = 3b, 3 × 2 = 6, इधर ऐसे ही लिख लेंगे 6a - 3b = 1, ये है आपकी विलोपन विधि से कैसे सॉल्व होता है, ये भी समझ लो आप लोग।
एक अगर प्लस का है एक माइनस का है तो लिखेंगे जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह जुड़ते हैं और अगर समान चिन्ह तो घटते हैं, चाहे अगर दोनों प्लस के हो तो भी घटते हैं, दोनों माइनस के होते तब भी घटते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे जोड़ने पर तो जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये माइनस प्लस का एक जुड़ जाएगा खत्म, और 15 छः हो जाएगा 21, तो 21 ए बराबर आपका आ जाएगा 6 1 7, ए का मान यहाँ से निकालेंगे हो जाएगा 7 और 21 आ जाएगा बटे में 7 बटे 21, 7 1 7 7 3 21, तो ए का मान आपका आ जाएगा 1/3, ए का मान कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। अब आगे समझो आप लोग इधर समझो, ठीक है, ए का मान आ गया 1/3, ए का मान किसी में रख लो, चलो समीकरण 4 रखने पर तो आसान रहेगा, ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ए का मान समीकरण 4 में रखने पर तो लिखा हुआ है 6a-3b=1, जाएगा 6a का मान 1/3 -3b=1, 3 × 2 = 6, 2 - 3b = 1, आप दो भेज दीजिए इधर, तो माइनस का 3b = 1 - 2 - 3b = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b = 1/3, ए का मान भी 1/3, बी का मान भी 1/3। अब आगे देखेंगे, अभी और है लोग देखो देखो देखेंगे, a = 1/3 आ गया हमारा निकाला अभी हमने, b = 1/3 आ गया, हमने दोनों मान निकाल लिए। अब लिखेंगे, अब देखो थोड़ा सा बेग जाएंगे हम और थोड़ा बेग, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x-1 = a लिखा हुआ है, इसी को लिखना है, लिखेंगे चूंकि 1/x-1 था हमारा a, यही तो था, इसको यहाँ पे इसको लिख लेंगे लेने पर, तो इसको सॉल्व करो लिखा हो जाएगा आपका 1/x-1 = a का मान कितना था आया 1/3, 3 से गुणा कर दो इसकी, तो x-1 = 3 और x = 3 - 1 कितना आ जाएगा, तो x = 4, x का मान आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका x का मान। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं एक समीकरण था हमारा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है देखो 1/y-2 = b, लिखेंगे यहाँ पर 1/y-2 = b लेने पर, तो 1/y-2 = b का मान कितना आया आपका 1/3, इसको सॉल्व कर लो तो y-2 = 3 आ गया, y आ जाएगा आपका 3, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, y आपका जाएगा 5, y कितना जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, x y के मान निकाले हैं, लिख देंगे अतः x = 4, y = 5, यह आपका आ जाएगा आंसर। अब आपका आंसर सही आया है या नहीं ये भी जांच लो, देख लो थोड़ा सा ये समीकरण आपके क्या थे, हम उनको पीछे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये सवाल तो लग गया, अब जांच के लिए, अब देखो सवाल सही लगा या नहीं इसकी जांच भी तो करनी आनी चाहिए आपको, इसकी जांच कैसे करेंगे, लिखा हुआ है 5/x-1 + 1/y-2 = लिखा हुआ है 2, एक समीकरण ये है, एक है 6/x-1 - 3/y-2 = 2, मिला लो यही है समीकरण 5/x-1 + 1/y-2 = 2, ठीक है 6/x-1 - 3/y-2 = 1, ये आपका 1 है, दो नहीं 1, फिर देख लेते हैं एक बार, हाँ 1 है, ठीक है। अब देखो सवाल आपका सही है या गलत ये देखना है बस। अब देखो हमने मान क्या निकाले अभी फाइनल वाले, x का मान 4 y का मान 5 हमने निकाला है, x का मान 4 और y का मान 5, हमने दो मान निकाले हैं फाइनल मान, ये तो निकाले हमने। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, 5/x का मान है 4, तो 4 - 1 + 1/y का मान कितना है 5, 5 - 2, तो देखो 5/3 + 1/3, अब देखो बराबर, ये अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसके हल समान है, तो लिखेंगे 3 5 + 1
पाँच एक छः बटा तीन और तीन दूनी छः कितना आया? दो। यहाँ पे कितना आया? दो। बराबर मान है ना, तो ये सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक जांच कर ली, इधर भी चेक कर लो। छः बटा एक्स का मान कितना आया? चार माइनस एक माइनस तीन बटा पाँच माइनस दो, तो छः बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका तीन माइनस तीन बटा तीन। इसको सो देखो, तीन एक कम तीन एक, तीन दो नीचे दो से एक जाएगा, क्या बचेगा आपका? एक, एक बचा यहाँ पर और एक यहाँ पर भी है। तो इसका कहने का मतलब कि ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये आपकी जांच हो गई, सवाल आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, बता दिया इसलिए ताकि आपको पता लग जाए कि चेक कैसे सवाल को करना है। वैसे आपको सवाल सिर्फ यहाँ तक लगाना था, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे सवाल, ये तो सवाल है आपका, यहाँ से है ये सवाल है आपका ना, कि निम्नलिखित समीकरणों युग्मों को बदलकर हल करना, तो इसको हल करना है बस। तो आपके सामने सवाल ये हल हो चुका है बिल्कुल ही बेहतर तरीके से, और यहाँ पर मान भी निकल के यहाँ पे सामने आपके आए हैं, ठीक है। चार और पाँच, वैसे ही आपका राइट आंसर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोगों के बाद लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।